साहब, ये आपको गुजारिश है कि बात करने का जो उसूल है। मेरा सर आप बिस्मिल्लाह अपना नाम बताएं, नाम क्या आपका, नाम नसीर अहमद है, नसीर पूरा नाम क्या? अहमद। नसीर अहमद साहब। जी सर तो हुक्म करें। सबसे पहले जो है ना, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि टाइमिंग, वक्त जो है ना, वो आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं और दूसरे फरीक को बात करने का टाइम आप नहीं दे रहे। तो आपके जो ये मौलवी था ना, उन्होंने जिनका आपको जिनका क्या तस्वीर आपने लगाया था, उसको क्यों नहीं लिया? क्या है जब्बार साहब को? इसकी तस्वीर कहाँ पे तस्वीर? मैं सब तस्वीर जब्बार साहब की थी, वो कोई और मौलवी था। उनकी तो तस्वीर नहीं है। नहीं, इंटरनेट में उनकी तस्वीर दी थी ना उन्होंने, वो कह रहे थे, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, वो एक और मौलवी था। नहीं, इंटरनेट पे सिर्फ आप ही की तस्वीर थी। ये देखो, ये चैलेंज है, जो और भी पोस्टर, ये आपकी तस्वीर थी। हमारे और भी पोस्टर था ना, वो कोई मौलवी जब्बार था, वो आपके ग्रुप का। हमारे हमारे तरफ से सिर्फ आपके जो ना चैलेंज का जवाब हुआ था, और यही है आपकी तस्वीर है, बाकी हमारे तरफ से कोई अच्छा, तस्वीर ऐसी मैंने नहीं थी। सिर्फ सिर्फ ये एक और भी पोस्टर मैंने देखे थे। अच्छा, वो जब्बार मौलवी आपके ग्रुप का है? हाँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान का जो है ना, एक एक बहुत बड़े आलिम है माशाल्लाह। वो क्यों नहीं आया भाई, चैलेंज दे के नहीं आता? उसने तो चैलेंज दी नहीं है, चैलेंज आपने दिए और हमने कबूल किए अहले इस्लाम की तरफ से, और मैं आपके सामने बैठा अहले हुआ। इस्लाम की तरफ से। अच्छा, क्या चैलेंज, क्या क्या चैलेंज किया है और क्या कलब कबूल किया सर, बताएं हमें, समझा दें। चैलेंज तो आपने दिया था कि मेरे सामने आए और मेरे साथ बात करें, तो बात करने के लिए आ गए हैं, और हमने आपको एक उनवान भी दिया हुआ है जो इस पोस्ट के अंदर, जो मैंने अभी आपको दिखाई तस्वीर, इसमें मौजूद है कि शिया मजहब जो है वो इस्लाम नहीं है, आप अपने मजहबी उसूलों पर रहते हुए उसको इस्लाम साबित करें। ये चैलेंज, हमारी आज की गुफ्तगू का जो है वो उनवान है। तो चैलेंज आपने मेरा कहाँ देखा? आपने खुद मेरा चैलेंज देखा था, किसी और से सुना आपने? आपकी चैलेंजेस आपकी वीडियो में चल रही है, और ये साथी हमारे पास भेज रहे हैं बहुत सी आपने वीडियोस, देखा आप था कितनी आपको तो दिखाएं। मेरा चैलेंज क्या था, मेरे चैलेंज के अल्फाज क्या थे? इसके मेरे चैलेंज के अल्फाज क्या थे जो आपने कबूल किया? वो उसमें ये अल्फाज हैं कि ये जो उमरी और बकरी उलमा हैं, ये मेरे सामने आकर मेरे से गुफ्तगू की नहीं करते, तो हमने कहा कि आज नरगिसी आलिम के साथ बैठकर बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक दफा फिर भी आपने इमाम जमाना अलैहि सलाम के वालिदा का नाम लिया तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा भाई। तुम जो मर्जी कह दो, तुम जो मर्जी कह दो, तुम कह देना क्या, तुम कह देना बाग गया, मुझे परवाह नहीं है। देखो अदब, अदब कोई परवाह देखो, अगर नहीं होगी एहतराम आपको तुझे परवाह, आता है लेकिन तो आपके साथ बात करेंगे। आपका जो अगर अदब आपकी नहीं है जो तो भाग अपनी जाओ यहां से, जुबान थी, अगर वो मैंने अदब आपको नहीं है तो बताई, भाग जाओ यहां से। मैंने आपको आपकी जुबान बताई कि आप कितने बाअदब हैं। अभी तो चलें बिस्मिल्लाह करके शुरू अगर करते हैं तुमने गुफ्तगू देखे इंशाल्लाह। अजीज, आपने अजीजो बिस्मिल्लाह अजीजो देखे, मेरा मेरा बिल्कुल किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू करने का इरादा नहीं है जिसके पास अदब नहीं है, जिसके पास एहतराम नहीं है, जो हम अहले बैत आदमी तहरीन जी, अलैहिस सलातो वसलाम आपसे के गुफ्तगू खिलाफ करने गलत का कोई अल्फाज शौक इस्तेमाल नहीं करता है, है। लेकिन आप देखे, अभी से मीडिया आप और शुरू बैत हुए ना, बकरी और उमरी उलमा कहते हैं, तो ये आपका अदब है अरे अरे साहब? देखे मैंने आप आप जो बार बार बकरी और उमरी उलमा कहते हैं, तो ये आपको तो अच्छा लगता है इस्तेमाल करना लफ्ज? बात सुनो, मैंने अभी बात आपको सुने आप, नरगिसी आलम कहा तो आप नाराज हो बस गए। खत्म बात है। मैंने आपको वादा क्या था कि एक दफा मती क्यों क्या है तो बदल मैं है? आपसे बात नहीं करूंगा, बस मैंने खत्म बात। बात हमने यहां से भाग आपको जाओ, चैलेंज भाग कबूल जाओ यहां किया से। है, और आपने नहीं नहीं उन्वान नहीं दिया नहीं कि शिया मजहब इस्लाम नहीं है, कुफर है, आप उसको इस्लाम साबित करके दिखाएं। अभी देखो अजीजो, यहां पर ग्रुप का नाम है शिया, हमें शिया कह दो, हमें राफिजी कह दो, हमें जाफरी हसनी हुसैनी, हमें हमें फातिमी कह दो, हमें फातिमी कह दो, हमें फातिमी कह दो, ये सब हमें मंजूर है, ये सब हमें मंजूर है, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के मावों तक ना पहुंचो तुम।